ZMK व्लॉग्स और समर सुल्ताना गुड फार्म की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप आगे जो वीडियो देखेंगे ना, वो है सैटरडे और संडे की। असल में मैं फार्म पे था, मेरा काम भी कम था, मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, तो मैंने व्लॉग बना लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और माशाल्लाह के कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकअल्लाह। ZMK व्लॉग्स और समर सुल्ताना गुड फार्म की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज ग्रीन डे था भैया, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खा पी के जो है फुल चिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बारे में अपडेट ये है कि शुक्र अल्लाह का इसने मोशन कर दिया, शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत। कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिवॉर्मिंग की थी सबकी, और जैसा कि मैंने देखा कि ये सब जो हैं, ये हमारे, ये सब नॉर्मल हैं। इसका पेट ख़राब था, उसमें कीड़े और चीज़ें थी, तो डिवॉर्मिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने मोशन कर दिए, इंशाल्लाह ये आज नहीं तो कल तक प्रॉपर मेंगनियाँ करने लगेगा और फिर इसका पेट एवन हो जाएगा दोबारा। तो ये चीज़ें होती हैं, आपने घबराना नहीं है डिवॉर्मिंग करने के बाद अगर जानवर मोशन मारे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इनसे मैं बड़ा परेशान हूँ। किसी दिन सोच रहा हूँ किसी एक को जो है ना, बस छोड़ो यार। कभी इनके मुंह में गिरगिट होता है, कभी हड्डियाँ ला के फेंक देते हैं। दूसरा कंघे उड़ गया मेरे ख्याल से, वो बैठा हुआ। कभी इनके मुंह में गिरगिट होता है, कभी हड्डियाँ होती हैं। अब बंदा इनका करे तो क्या करे। उसकी वजह ये है कि जब आप मंडी से जानवर ख़रीदते हैं ना, तो मंडी में जानवर तो चराई का होता है, मतलब वो जो मिला खिला दिया ही हूँ ना। और घर पे जो हम जानवर रखते हैं, उसमें ये है कि हम प्रॉपरली से चीज़ें करते हैं, हम वैक्सीनेशन करते हैं, हम जैसे अगर हल्का पुल्का बुखार है या सुस्त हो रहा है तो हम दवाई देते हैं। तो घर का जानवर इसलिए, फार्म का घर का जानवर इसलिए साफ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर चल रहा होता है। तो अभी असल में इसने मोशन इसलिए मारे क्योंकि रमज़ान में डेट थी डिवॉर्मिंग की, लेकिन रमज़ान था, जाहिर सी बात है सुस्ती थी भाई मेरी, नहीं तो मैं रमज़ान में ही कर देता। चांद रात को थी डेट 20 तारीख की ना, तो मैं रमज़ान में ही कर देता। मतलब 20 तारीख की डेट थी तो मैं रमज़ान में ही कर देता, लेकिन अभी मैंने कल किए अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी काफ़ी लेट की है। तो ऐसा है कि अब ये इंशाल्लाह जो है एक दो दिन में नॉर्मल उस पर आ जाएगा। खाना पीना इसका शुक्र है अल्लाह का बहुत सेट है, जुगाली वगैरह ये कर रहा है, मतलब ओवरऑल ओके। बस पेट की सफाई जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, हो रही है, मतलब एक दिन लगे, शायद शाम तक ये सेट हो जाए, शायद कल तक मारे मोशन। तो घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि यार मोशन हो गया। अच्छा, हरे पे पानी जो दे देते हैं या पानी के बाद हरा देते हैं, तो वो मोशन एक अलग चीज़ है, वो होती है, वो होता है बादी। और आपने जैसे हरा दे दिया सुबह, तो आप एटलीस्ट 2 घंटे का या 3 घंटे का गैप रख के फिर पानी दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ 4 घंटे का रखो, क्योंकि मैं भी 4 घंटे का रखता हूँ। अभी असल में मैं लूसन लाया हुआ था, तो मैं आज जो है पानी दूंगा इनको 5 बजे, मैं दिन में पानी नहीं दूंगा। लोग बोलेंगे यार ये गलत है, यूँ है, भाई देखो मैं चीज़ें अपने तरीके से चलाता हूँ, लोग अपने तरीके से चलाते हैं। तो मैं इनको पानी दूंगा शाम में, 1 घंटे पहले दाने से या आधे घंटे पहले, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने 4 घंटे का गैप रखना है हरे के बाद या पानी देने के बाद हरे में, ठीक है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और दुआ करिएगा अल्लाह से कि अल्लाह मुझे बेहतर नेमुल बदल दे। सब्र तो अल्लाह ने दे दिया कुछ हद तक, बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं एक क्लिप और ऐड करता चलूँ, ये जो सफ़ेद वाला बच्चा है ना दुम्बे का, ऐसे बच्चे को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 3 से 4 महीने दरकार होते हैं, क्योंकि 2 महीने में समझ लो, 1 महीने में जो है वो दाने पर सेट होता है, दूसरे महीने में जाके जब डिवॉर्मिंग करते हैं आप, तो दूसरे महीने में जाके वो गोश्त चढ़ाना शुरू करता है। अच्छा, हाथ भराई में अलग चक्कर है, वो तो टोटल जो है, खैर मैं तो उसके ख़िलाफ़ हूँ, वो टोटल जो है उस पर है, हाथ भराई जो है
हाथ भराई के मैं खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि वो टोटल सिर्फ भराई होती है, वो जानवर बस बैठा रहता है, खाता रहता है। लोगों को बुरा भी लगेगा, उसके लिए पहले से माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये गलत है, ये जानवर के साथ ज्यादती है। वो बैठा रहता है, हाँपता रहता है, बस जुगाली करता है, लोग बोलते हैं क्या चीज़ तैयार की है, लेकिन या तो अल्लाह जानता है या वो जानवर जानता है उसकी क्या कंडीशन है। मुझे जो दिखता है वो हाँप रहा है और मतलब स्ट्रेस्ड आउट जानवर होता है, बस बैठा रहता है, चलता फिरता भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन चुस्त नहीं होता। एक होता है चुस्त जानवर, वैसा नहीं होता, उसमें वो दम नहीं होता जो एक सेल्फ फीड के जानवर में होता है। जाहिर सी बात है सेल्फ फीड वाला खुद खाता है, ठोस होता है, जब खाना हो खाता है, जब नहीं खाना हो नहीं खाता है, बीमारी आती है तो वो सही होता है उसके बाद, तो सख्तियाँ देखता है ना वो, तो उसमें वो चीज आ जाती है। ठीक है, तो आखिर में बस ये ऐड करना था कि ये ऐसे बच्चे को जो है ना, इतनी एज का बच्चा, एटलीस्ट उसको 4 महीने दरकार होते हैं तैयार होने के लिए, अच्छा, जिसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना वेट कर जाता है, मीट वेट हो जाता है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है मालिक का, क्योंकि मैंने तैयार किए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसने बहुत बहुत मदद की, मैंने सिर्फ मेहनत की, उसने मदद की मेरी। तो ये मेरा अपना तजुर्बा है भाई, लोगों के अपने होते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जो भी लोग ऐसा बच्चा, जैसे अब लोग सोचते हैं छोटा बच्चा ले लूँ 4-5 महीने का ना, छोटी ईद पे या रमज़ान में, 6 महीने लिमिट है दुम्बे की, तो वो इंशाल्लाह वेट कर जाएगा, लेकिन वो नहीं करता, कभी कभार करता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब नहीं करता ना, तो आप लोग बिल्कुल ये ना हो कि यार ये नहीं हुआ, अब इतने पैसे नहीं मिलेंगे, घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। पहली बात, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखें, यकीन रखें, आप सिर्फ मेहनत करें, रिज़ल्ट वो देगा, क्योंकि मैंने चेंजेस देखे हैं ना अपने साथ। तो बस ये कहना था, ठीक है, बाकी दुआ करिएगा मेरे जानवर के लिए, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और आफियत वाली ज़िंदगी दे, और जिस जिस के नसीब की कुर्बानी है अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी कबूल करे, आमीन सुमा। अल्हम्दुलिल्लाह दाना हो गया, शुक्र है अल्लाह का, जानवर आप देख सकते हैं माशाल्लाह सब खा रहे हैं। अच्छा, इसको मैंने अलग इसलिए किया है, ये छोटा है ना तो इसको मारते हैं सब, माशाल्लाह से ये भी फिट चल रहा है। और ये हमारे प्रेम भाई, प्रेम भाई कैसे हो, ठीक हो, अल्लाह ठीक आपकी भाई, ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी मिलते हैं। ये बताओ कैसा चल रहा है? सब जबरदस्त माशाल्लाह। और ग्रोथ अच्छी जा रही है जानवरों की? बेहतरीन, जबरदस्त, शुक्रिया जजाकअल्लाह। चले भाई, प्रेम भाई को कहते हैं अल्लाह हाफिज, हम अपने काम में लग। और आप देख सकते हैं ये पता नहीं कहाँ निकला हुआ है, खाना इधर है और ये उधर पता नहीं क्या चबा रहा है, समझ में नहीं आ रही। ये देखें आप, मस्तियाँ शुरू हो गई सबकी, भैया सबकी मस्तियाँ जो है शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। और ये बकरा उधर से आके फिर खाने लग गया, मतलब ये जो है ना, खुला नहीं छोड़ो, इनको बांध के खाना दो तो ये खाएंगे, खुला छोड़ोगे तो ये घूमने लगेंगे, खाना गया तेल लेने। एक और गुड न्यूज़ है आप सबके लिए भाई, के आ गई कल मोच, अब पूरी रात भाई जिस तकलीफ में था, क्या बताऊँ, शुक्र है अल्लाह का, अब तो ट्यूब व्यूब लगा ली है, बैंड पहन लिया है। वीडियो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, अभी तो ये है कि दाना मैंने कर दिया है, अब मैं अपना खाने पीने का बंदोबस्त करूँगा, खाना आ गया, बस ये है कि जानवर खा लें तो इनको बांध बांध दूँ, वही जैसा कि आपको पता है वही मेजर मसला दीवार, ये सब इधर उधर निकल जाते हैं। अभी भी देखें वो आ रहा है, देख रहा है, अभी वो टाप के इधर आ जाएगा, वो आ गया, ये लो अभी बोला और ये टाप के आ गया। खैर, अभी मैं इसको ज़रा अंदर भेजता हूँ, फिर इंशाल्लाह वीडियो कंटिन्यू करूँगा। एक बात तो मैं कहना आपसे भूल गया, जिधर जो है ये शहजादा और शहनशाह हमारे खड़े होते हैं, मतलब ये सब उधर ही चढ़े जाते हैं, मतलब उधर भी जाना है भैया, उधर भी जाओ, उधर जा नहीं रहे, ये देखो खड्डे होंगे यहाँ। और खैर उंगली, खैर ये सब तो चलता रहेगा, क्या करें, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये खा के माशाल्लाह फारिग हो गया ये भी,
जो जो खा रहे हैं वो खुले हुए, और माशाल्लाह ये भी सही चल रहे हैं, माशाल्लाह ये भी अभी खा रहा है ठीक है, और माशाल्लाह से वो काला दुम्बा हीरा। अच्छा ये जो है ना ये कहलाती है राजस्थानी नस्ल ना, ये मुझे भी पता चला है बाद में, मतलब ये राजस्थानी नस्ल क्रॉस है या प्योर राजस्थानी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है ये राजस्थानी माशाल्लाह से। आप इसका कलर देखें माशाल्लाह, इसकी ग्रोथ माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़रबद से बचाए आमीन। गुलाबी माशाल्लाह, ये बकरा यहाँ लगा हुआ है। अच्छा ये वाला टापरा मेरा और ये वाला टापरा, ये अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो चुके हैं। सोल्ड तो ये रमज़ान में, पता नहीं रमज़ान में शायद या रमज़ान से पहले सोल्ड हो गए थे, बस वो पेमेंट का एक आधा इशू था। अच्छा ओनर ने जो कहा है वो ये कहा है कि आप इसके पैसे नहीं बताएंगे क्योंकि ये उनके कुर्बानी के बकरे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी दो है, ये भी दो है, इसने तो आते ही निकाल लिया था एक, करीबन 5-6 दिनों बाद निकाल लिया था, और ये उस वक्त पक्का खीरा था, फिर इसने भी कोई तकरीबन 10-15 दिन बाद निकाल लिए थे ना। अभी ये माशाल्लाह प्रॉपर दो हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं। इधर आओ बकरे, इधर आओ बकरे। बकरे मुंह खोल लो, ये देखें आप, ये दो है माशाल्लाह, ठीक है ये दो है। इधर आ जाओ बकरे, इधर आ जाओ, ये भी माशाल्लाह दो है, ठीक है ये प्रॉपर दो है ठीक है ना। और ये पटेरा लाल वाला, और ये पटेरा स्पॉट्स वाला ना, इनकी मैं प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा फिर अपलोड करूंगा। ये सेल के लिए अवेलेबल है अभी ठीक है, ये हैं पक्के खीरे हैं। एक मिनट में दांत खोल लूँ इसके, मेरे पैर में तकलीफ़ हो रही है तो अभी मसले है, आओ इधर आओ। अच्छा ये जो है माशाल्लाह भाई, अल्लाह के हुक्म से ये पक्का खीरा हो चुका है, इसने दांत हिलाने शुरू कर दिए हैं। ये इंशाल्लाह जो है समझ लें 5 या 10 दिन में गिरा देगा, तो इंशाल्लाह ये फिर पक्के खीरे में आ जाएगा, प्रॉपर पक्का खीरा। उसके बाद जब ये दो निकालेगा तो ये फ्रेश दो कहलाएगा। अब उस बकरे को भी देख लेते हैं जाके। अच्छा भाई ये दूसरा पटेरा है लाल वाला, ये भी इंशाल्लाह ये उसके बाद होगा, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये आएंगे अभी भी पक्के खीरे उसमें कैटेगरी में, क्योंकि ना गैप आ जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं ना, तो ये है कि वो पक्के खीरे कैटेगरी में जाते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि मतलब 2-4 दिन या 5-10 दिन लगते हैं वो गिरा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मैंने सीखी इतने टाइम में, क्योंकि मैं भी पहले कंफ्यूज होता था कि यार ये तो आएगा नहीं आएगा, लगेगा नहीं लगेगा, फिर ये घूम घूम के उस्ताद से और जो लोग हैं घूम घूम के चेक कर कर के इवन हिला हिला के मैं तो पकड़ के हिला देता हूँ, बंदा बोलता हूँ भाई क्या कर रहे हो, लेकिन ये है कि इस तरह जो है मैंने सीखा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्बानी पे लग जाएंगे, मतलब दो होंगे, प्रॉपर दो ही होंगे, मैं तो प्रॉपर दो ही बोलूँगा, कुछ लोग फ्रेश दो बोल सकते हैं क्योंकि वो दांत फिर ऊपर करके चौड़े ही करता है थोड़े से। तो ये है सिस्टम ठीक है, और मामलात ये है कि सब माशाल्लाह से खा पी के फारिग हो चुके हैं, वो लगा हुआ है। अब आप ये सीन चेक करें, सर ले आओ बीच में अपना तुम, बस अब निकालने तो दे। ये देखें आप, मतलब बंदा दाना डाल रहा है तो सर मारने की क्या जरूरत है, थोड़ा सब्र कर लो। अच्छा ये दुम्बा अंदर आ चुका है, जितना इसने खाना था बाहर खा के, अब ये यहाँ आके समझ लें वो आखिर का जो मीठा होता है ना वो कर रहा है। खाली है ये, क्या हुआ खाली है ये। और ये शहजादे आगे पीछे देख तो लिया कर, मैं खड़ा हुआ था तुम वहीं शुरू हो गए, यार आगे पीछे बंदा देखता है यार, मतलब यार आगे पीछे देखते हैं यार, वहीं शुरू हो गया। अब इसको क्या पता मेरे पास एक ही जोड़ा है, मैंने नमाज भी पढ़नी है, अभी नापाक हो जाता। खैर मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हमारे छोटे से शौकीन हैं, कैसे लगे?
कैसे लगे जानवर? अच्छे लगे, अच्छे लगे। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? सारे अच्छा। भैया हमारे छोटे से शौकीन है शहजादे, आओ शहजादे को प्यार कर लो। शहजादे, शहजादे, भैया हमारे छोटे से शौकीन है, ठीक है, शहजादे को प्यार कर रहे हैं, आओ आप भी आ जाओ। भाई शहजादा इनको पसंद कर रहा है। शहजादे, शहंशाह इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, शाबाश शाबाश, इधर आओ भाई, इसको भी प्यार कर लो। अब बताओ कौन से वाले ज्यादा अच्छे हैं? ये वाला पक्की बात है भाई, इनको शहजादा पसंद आया। शहजादे, तो ये थे हमारे छोटे छोटे शौकीन। शहंशाह, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इनको प्यार कर रहे हैं। बच्चों में ये चीज़ें आप डालें कि उनको जानवर से प्यार हो। आप घर में जानवर रखें, ज़रूर रखें, भले एक तोता रखें लेकिन रखें, ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो कि ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। और शौक करवाएं बच्चों को, छोटा मोटा कराएं लेकिन कराएं। चलो भाई अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अच्छा जी, यहाँ पे लेते हैं अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। माशाल्लाह, हे चलो अंदर, वापस अंदर चलो। माशाल्लाह, चलो जैसा कि आपने अभी देखा, माशाल्लाह ये बकरा जो है खेलने का मूड है इसका। वो होता है, मतलब कभी कभार जानवर का खाने का मूड नहीं भी होता तो वो बोलता है बस उछल कूद करूँगा, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं होती, मतलब अच्छी बात है ये। अच्छा मेरे पास तो मसले हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा खोल नहीं सकता, लेकिन जब भी खोलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि ये उछले कूदे, अपना जो है मस्तियाँ करें। और जो है तकलीफ़ हो रही है पैर में, अपना जो है मस्तियाँ करें और मतलब सेहतमंद और हेल्दी एंड एक्टिव रहें। तो ये भी ज़रूरी है कि बांध के नहीं रखना चाहिए, खोल के रखना चाहिए। थोड़ी देर खोल दो, आधा घंटा एक घंटा, 10-15 मिनट भी अगर खोल दोगे ना तो उससे ये होगा उसके हाथ पैर खुल जाएंगे। इंशाल्लाह मैं ये दीवार का काम करवाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये सीज़न या नेक्स्ट सीज़न जो है मेरे जानवर आपको खुले मिलेंगे। दुआ करिएगा भाई के लिए। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में और सेहत तंदुरुस्ती और आफियत वाली ज़िंदगी दे, और उनके शौक़ को और जो जो कुर्बानी करने जा रहे हैं इस साल, अल्लाह पाक वैसे तो सबको तौफीक दे, आमीन। और जो जो करने जा रहे हैं, जो जो अभी ला चुके हैं, तो अल्लाह पाक उनके जानवर को कुर्बानी वाले अमल तक सेहत तंदुरुस्ती और आफियत वाली ज़िंदगी दे, और उनका शौक़ सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।